दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का बादशाह भाई यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला इलिमिनेटर मुकाबला लेकर हाजिर हूँ आप सभी दोस्तों के सामने, जो कि आप सभी दोस्तों को देखने को मिलने वाला है पेशावर जामी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, तो बता दूं दोस्तों ये मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में खेला जाएगा, जहां पर दोस्तों अगर बेदर पे नजर डाले तो बेदर पूरी तरीके से क्लियर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दोनों ही टीमों के दोस्तों प्रीवियस 10 T20 मुकाबले के बारे में बात की जाए तो बता दूं दोस्तों इस समय दोनों ही टीमें जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 4 मुकाबले दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तथा 6 मुकाबले पेशावर जामी की टीम विन करने में सफल रही। कहीं ना कहीं दोस्तों पेशावर जामी 60% मैसेज विन करके थोड़ी सी हावी नजर आती हुई दिखाई दे रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। चलिए अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर बने कुछ अगले पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में। तो बता दूं दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड में जहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा, पहला इलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, वहां पर पहली पारी में एवरेज स्कोर 179 रन तथा दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 150 बिलो नजर आया। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ग्राउंड पर पहली पारी में बैटिंग करना ज्यादा आसान है दूसरी पारी की अपेक्षा, जबकि इस ग्राउंड पर दोस्तों किसी भी टीम द्वारा हाईएस्ट स्कोर जो बनाया गया वो 245 और लोएस्ट चेज की बात करें तो 203 रन चेज किए गए, जबकि लोएस्ट डिफेंडेड स्कोर इस ग्राउंड पर बात करें तो 182 रन और लोएस्ट स्कोर मात्र 90 रन बनाया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों जेब की पिच बता रही कि अच्छे खासे स्कोर चेज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली पारी में बैटिंग करना ज्यादा आसान है, इसलिए दोस्तों इस ग्राउंड पर टॉस का भी अपना अहम फैक्टर रहने वाला है और जिस भी टीम का कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करने का फैसला लेगा, ना कि दोस्तों बॉलिंग करने के लिए। चलिए अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं दोनों ही टीमों के कुछ की प्लेयर्स के बारे में जो कि आज के इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है शादाब खान, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बैटिंग से उतनी खास प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है, किसी किसी मैच में कुछ अच्छे प्रदर्शन किए हैं, लेकिन बॉलिंग से हर एक मुकाबले में दोस्तों इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो इनसे अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों एक और खिलाड़ी आजम खान, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं, इनके द्वारा अच्छी बैटिंग का नजारा देखने को मिल सकता है, जबकि ओपनर बल्लेबाज के रूप में कॉलिन मुररो और एलेक्स हेल्स, जो कि दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इनसे अच्छी बैटिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि ऑलराउंडर के रूप में दोस्तों टॉम करन जो कि दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों फजल हक पूरी जीतों के शानदार तरीके से बॉलिंग करने वाले हैं, इनके द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अब दोस्तों पेशावर जामी के कुछ की प्लेयर्स के बारे में। तो बता दूं दोस्तों पेशावर जामी के कप्तान है बाबर आजम, जो कि दोस्तों जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, पिछले कुछ मुकाबले से हर एक मैच में दोस्तों इनके द्वारा अर्धशतक आए हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हरीश, एक दोस्तों युवा उभरते खिलाड़ी के रूप में दोस्तों जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि हर एक मैच में लगभग शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं उनके साथ में दोस्तों वहाब रियाज, जो कि दोस्तों जबरदस्त गेंदबाज हैं, इनके द्वारा अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि दोस्तों एक और खिलाड़ी टॉम कोलर कैडमोर, जो कि दोस्तों जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनसे भी अच्छी बैटिंग या बॉलिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि एक और खिलाड़ी के रूप में दोस्तों जबरदस्त ऑलराउंडर जिमी निसाम का भी दोस्तों शानदार प्रदर्शन आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों हेडली कुल्लू, जो कि शानदार बॉलर के रूप में देखने को मिल सकते हैं, इनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने को देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है पहला इलिमिनेटर मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जामी के बीच में कौन सी टीम विनर होगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों बादशाह भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट करना ना भूलें।